आज हमारी दीदी की रिसेप्शन पार्टी है। तो दीदी की रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए, लहंगा या सरारा? बहन हम मायके वाले, हमें तो दीदी के घर के पानी पीने से भी पाप लगेगा। अरे प्रशांत वो सब पुराने जमाने में होता था, ये नया जमाना, यहाँ पानी का पूरा खाना खा के आ जाते। तू चुपचाप बता मैं लहंगा पहनूं या शरारा पहनूं? बहन लहंगा तो दीदी के पहले फंक्शन से पहन रही है, लेकिन शरारा तूने कभी नहीं पहना है। हाँ तू शरारा पहन ले। ठीक है मैं शरारा पहनूंगी। अरे प्रशांत तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ, तुझे पार्टी में नहीं जाना है क्या? मुझे शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे पागल लोगों का तो काम ही है कहना, आज कहेंगे कल कहेंगे परसों चुप हो जाएंगे, तू उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं क्या पहन कर जाऊँ, टी शर्ट पैंट या शर्ट पैंट? पागल है क्या तू, पार्टी में कौन टी शर्ट पैंट पहनकर जाता है, वो भी अपनी दीदी के? भूल गया क्या तू, तू मायके वाला है इसलिए तो शर्ट पैंट पहनकर चल। ठीक है मैं शर्ट पैंट पहनूंगा। मेकअप करूं या हेयर स्टाइल करूं? भाई पार्टी है, नाच गाना भी होगा तो मुझे सजना सबरना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं दोनों करूंगी। प्रशांत जल्दी जा वरना गोलगप्पा खत्म हो जाएगा। कितनी भुखड़े तू, दीदी की रिसेप्शन पार्टी है, दीदी से मिलने से ज्यादा तुझे गोलगप्पे की बड़ी है। प्रशांत तुझे तो पता ही है ना गोलगप्पा मेरी जान है। तो क्या तू यूँ भिखारी बनकर जाएगी? अभी तक कानों में कुछ नहीं पहना है, गले में कुछ नहीं पहना है, लोग क्या कहेंगे? ओहो मैं तो खाने के चक्कर में सब कुछ भूल गई। गले में नेकलेस पहने या चेन पहने? मैं तो नेकलेस पहनूंगी। और मैं चेन पहनूंगा। मैं मांग में मांगटीका पहनूं या सिंदूर लगाऊं? बदतमीज अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई है और तू सिंदूर लगाना चाहती है? अरे गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं तो बस ऑप्शन दे रही थी। ऑप्शन भी मत दे। लेकिन कभी ना कभी तो मुझे सिंदूर लगाना पड़ेगा ही। चुप कर, अभी से शादी के सपने देखने बंद कर और पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन सरारा के साथ तो मांग टीका लगाते, इसलिए मांग टीका पहनूंगी। कानों में झुमके पहने या दीदी के लिए गिफ्ट ले? बहन तू थकती नहीं है क्या, रोज झुमके और चूड़ियां पहनती रहती है। अरे प्रशांत आज मैं चूड़ियां नहीं पहनूंगी, मैं तो बस झुमके पहनूंगी। और मैं दीदी को एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गिफ्ट ले जाऊंगा। तो फाइनली हम दीदी की रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। हम कैसे लग रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना।